तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक के देख लिया था, यानी कि कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन विच शोज दैट एटम इज नॉट इनडिविजिबल। एक ऑब्जर्वेशन बताइए जो कि हम लोगों को ये साबित करे कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता, एटम इज नॉट इनडिविजिबल। क्या ऑब्जर्वेशन, किन साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था, उनका नाम बताइए। शैडविक ने दिया था, और शैडविक ने क्या बोला था, शैडविक ने क्या करा, क्या था शैडविक ने पहला काम ये किया था, नाम लिखे दे रहे हैं शैडविक का, CHADWICK, शैडविक ने, शैडविक ने सबसे पहला काम किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर करे थे, और न्यूट्रल पार्टिकल बोले तो न्यूट्रॉन, यानी कि इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को इन्होंने ईजाद किया था, पाया था, ठीक है, फिर खोज करी थी। दूसरा इन्होंने क्या किया था, दूसरा काम क्या किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेसिकली इस्तेमाल किया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने इस्तेमाल किया था। और तीसरी क्या चीज, और किसको इस्तेमाल किया था, लाइट न्यूक्लिया, यानी कि बेरिलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, बेरिलियम का न्यूक्लियस इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करके इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करी थी कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था लाइट न्यूक्लाई के ऊपर, यानी कि बेरिलियम के न्यूक्लाई के ऊपर, यानी कि बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल को इन्होंने बॉम्बार्ड किया था, तो इसको हम, इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिखे दे रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल पहले तो बेरिलियम 4Be9 प्लस 2He4 गिव्स आउट 6C12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जब इन्होंने, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने जब बॉम्बार्ड किया था बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो एक न्यूक्लियस निकला था, और वो न्यूक्लियस किसका था, कार्बन का, ठीक है, और उन्होंने एक न्यूट्रॉन निकला था। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के ऊपर बॉन्ड क्या करा, न्यूक्लियस के ऊपर इन्होंने बॉम्बार्ड किया, बॉम्बार्ड करने के बाद इन्होंने एक पार्टिकल को डिस्कवर किया, उस पार्टिकल का नाम क्या इन्होंने बताया, न्यूट्रल पार्टिकल है। और यही इनका जो ऑब्जर्वेशन है ये प्रूव करता है कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल। बात क्लियर है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, नेम एन एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता उस एलिमेंट का नाम बताइए, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद, इफ एन एलिमेंट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, अगर एक एटम है, एक एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर एक प्रोटॉन है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, क्या उस एटम के ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस वन, और कितने प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो गया, प्लस वन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस वन, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कितना होता है भैया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। बात क्लियर है, तो वो एटम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बात क्लियर है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हम लोगों को है ये वाला स्केप नहीं, इसको करे ले रहे हैं ठीक है। देखो थॉमसन्स पहले इसका पढ़ते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है क्या। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम है, उस एटम के अंदर एटम किसका बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस का बना होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस एक स्फीयर फॉर्म कर रहा होता है ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू दिस स्फीयर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है एक गेंद टाइप का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, जैसे गोला होती है गेंद, उसी को बोलते हैं स्फीयर। और इसने क्या बोला था, इसने थॉमसन्स ने यह बोला था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ने यह बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम किसका बना होता है, पहली चीज एटम, एटम बना होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस का बना होता है, पहली चीज उन्होंने बोली थी। दूसरी चीज क्या बोली, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं इसी स्फीयर में ठीक है, इसी स्फीयर में, ये जो आपका गोला होता है इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, तीसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इन्होंने बोला कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। और फिर इन्होंने बोला कि और जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जब आपस में बराबर है, तो उन्होंने चौथी बात बोली कि एटम इस वजह से, हेंस एटम इज न्यूट्रल ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। दिस मॉडल वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर शील्डेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। इनकी ये जो थ्योरी है, जो इन्होंने चार बातें इन्होंने बोली हैं, कौन सी चार बातें इन्होंने बोली हैं भैया, पहली बात इन्होंने ये बोली है कि एटम जो है वो किसका बना है, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस का बना है जो कि एक स्फीयर के अंदर मौजूद है। दूसरी क्या बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है स्फीयर्स के अंदर। तीसरी क्या बात बोली कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर है। तो आखिरी में उन्होंने बोला कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। इनकी ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि ये नहीं बता पाए कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से कैसे शील्ड होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज वो शील्ड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से किस तरीके से शील्ड होते हैं, किस तरीके से आपस में सेपरेट होते हैं, ये चीज इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बात क्लियर है, तो ये आपका सवाल समझ में आ गया ठीक है। आगे वीडियो देख लेना, दो तीन बार आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12, थॉमसन ने कौन से पार्टिकल को डिस्कवर किया, थॉमसन ने क्या चीज डिस्कवर करी। थॉमसन ने तो भैया पार्टिकल को ही डिस्कवर किया है। थॉमसन ने बोला कि पार्टिकल नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरा, ये जो आपका गोल्डस्टीन है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया। इन्होंने बोला कि भैया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, उनका नाम इन्होंने क्या रखा, प्रोटॉन रखा। फिर उसके बाद तीसरी, ये शैडविक ने, अभी मैंने बताया कि शैडविक ने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन। इन्होंने क्या बोला कि भैया न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है। बात क्लियर है, तो 12 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद वाली वीडियो में इसके आगे सवाल हम लोग करते हैं।